तो अभी के टाइम पे मौसम का इतना डिमांड नहीं है कि ये जैकेट को अपने बॉडी पे इंस्टॉल करूँ, और फिर भी ये जैकेट ले लिया क्योंकि मौसम बदलते रहता है और मौसम का डिमांड भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग होते रहता है। तो अभी जस्ट घर से निकल के आया, तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक ही होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। और घर से निकल के कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या प्लान है, आपको सब कुछ बताएंगे। आज बहुत दिनों के बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ, और ये ब्लॉग थोड़ा सा यूनिक होने वाला है। चलिए अभी चलते हैं निकल के, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। मैं निकल गया था और घर से निकल के अभी आके पहुंचे सीधा गैराज पे। तो आज दिन का जो काम है मेरा, तो मेन गैराज पे स्टार्ट होने वाला है वो काम। और गैराज पे आने का मेन रीजन मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। और गैरेज पे रखा हुआ ये अपना एक बाइक, और ये कौन सा बाइक है आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बिल्कुल एक कमेंट कीजिएगा। ये मैं एक हिंट दे देता हूँ आपको, जो लोग मेरा वीडियो एकदम पहले से फॉलो करते हैं उन लोग को पता ही होगा ये कौन सा बाइक है। ये मेरी जिंदगी का पहला बाइक है एकदम। ये कौन सा बाइक है, क्या है, आप लोगों को बिल्कुल पता चल ही गया होगा बाइक देख के ही, फेसेस देख के ही। ये बाइक का मेन सेसिस है, ये दोनों पहिया है ये। और ये बाइक ऐसे कंडीशन में क्यों पर आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डरने की कोई बात नहीं है, बाइक एकदम सही सलामत है। बस इसको थोड़ा सा रिस्टोरेशन करने के लिए ये सब खोल के रखा है, सब कुछ इंजन वगैरह सब कुछ खोल के रखा है इसका। जो एकदम सही कॉमेंट करेगा, जिसका कॉमेंट पढ़ के मेरे को मजा आएगा, उसका मैं कॉमेंट पिन करने वाला हूँ इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन पे। क्या जो सेसिस है वो ले जाने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, इसलिए मैं अपना गाड़ी निकाल के रखा हूँ। गाड़ी पे सेसिस अपना लोड करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकल के चलते हैं। चलिए करीबन 15-20 मिनट कोशिश करने के बाद फाइनली बाइक को अंदर डाला है गाड़ी के अंदर। हाँ, ये पूरा बाइक ही पकड़ लीजिए आप, ये बाइक का पूरा सेसिस है। तो मतलब ये इतना बड़ा है कि डिक्की भी नहीं आ रहा था। डिक्की में ऑलरेडी एक बीस ट्यूब लगा हुआ है, जिसके वजह से डिक्की का स्पेस थोड़ा सा कम हो गया है। वैसे भी अगर कम नहीं भी होता फिर भी ये डिक्की में फिट नहीं होने वाला था, ये बहुत बड़ा था। मेरे को लगा था फिट हो जाएगा आराम से, लेकिन थोड़ा कोशिश करना पड़ा हमको इसके लिए, और अभी फाइनली ये फिट हो चुका है। तो हम अभी निकल चुके हैं घर से, और पहुंचने वाला हमारा जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुंचने वाला है। और ये बाइक का पूरा सेसिस आपका पेंट होगा, और इसी के साथ साथ बाइक को भी पूरा फुल रिस्टोरेशन कर रहे हैं हम लोग। बाइक बना के एकदम रेडी हो जाएगा, तो बाइक ऐसे कंडीशन में निकलेगा कि बाइक एकदम शोरूम से निकला है। क्योंकि बाइक का सारा सामान, जितना भी चेंज करने लायक सामान है, जैसे आपका बॉडी से लेके इंजन तक जितना भी चेंज करने लायक सामान है, सब कुछ नया आ चुका है, सब कुछ नया लगने वाला है उसमें। और लगने के बाद बाइक जो मतलब निकलेगा, एक पीस बन के निकलेगा, आप लोग बस देखिएगा। आप लोग को अगर पूरा फुल रिस्टोरेशन ब्लॉग चाहिए एक, तो बताना आप लोग, मैं उसको शूट करके आप लोगों के लिए पेश कर दूंगा। अगर नहीं चाहिए तो फिर सब कुछ काम होने के बाद एकदम फाइनल आपको कर दिखाएंगे। भाई ये क्या हो रहा है, सॉरी सॉरी, फोन में ये सीरी वगैरह आजकल आ गया है ना, जैसे गूगल में भी कुछ कुछ है तो बोलते रहता है ऐसे, इसको ऑफ करना पड़ेगा। चलिए अभी पहुंचने वाला, ये ट्रैफिक जब हरा हो जाए उसके बाद गाड़ी को चलाते हैं। पहुंच चुके थे 7S ऑटोमोटिव, देख रहे हैं आप लोग को यहाँ पे जो बाइक का सेसिस लाया था, बाइक का सेसिस ऑलरेडी अंदर भिजवा दिया है। यहाँ पे सारा पेंट वगैरह होगा, ऑलरेडी सारा साफ वगैरह मैं घर से करके लाया था। आप बस यहाँ पे पेंट करना है और थोड़ा सा वॉशिंग वगैरह करना पड़ेगा शायद, वो सब कुछ देख के हो जाएगा। रख दिया है सेसिस वगैरह सारा रख दिया इधर, और 2-3 दिन पर इसका काम वगैरह होगा, उसके बाद इसको लेके जाएंगे। चलिए आए थे वो काम तो अपना हो चुका है कंप्लीट, और अभी गाड़ी का थोड़ा काम वगैरह करने जा रहा हूँ मैं। एक्चुअली गाड़ी में क्या काम है मैं आपको समझाता हूँ। अभी के टाइम पे ठंड के मौसम पे, एक्चुअली विंटर में क्या होता है, धूप जब निकलता है, धूप बहुत मतलब डेंजर धूप निकलता है, ऐसे लगता है कि ऐसे समरा हमरा जल जाएगा ऐसा धूप निकलता है, पूरा हेवी धूप। और गाड़ी आज बहुत दिनों के बाद मैं निकल कर आया हूँ, तो फिर अभी गाड़ी चलाने में मेरे को ये बहुत ज्यादा फील हो रहा था कि धूप बहुत है आज। तो धूप से थोड़ा बचने के लिए हम गाड़ी में सोच रहे हैं इसमें थोड़ा सा फिल्म लगा दे, आप थोड़ा सा ज्यादा नहीं 30% लगाएंगे। 30% लगाने से क्या होगा, पुलिस का भी इतना लफड़ा वगैरह कुछ नहीं है, और धूप से भी बच सकते हैं हम लोग। तो आके हम लोग अभी पहुंच चुके हैं वंडर कार, यहाँ है वंडर कार, तो वंडर कार में जाएंगे अपना गाड़ी का सामान देखेंगे, उसके बाद गाड़ी का सामान लगाएंगे और देखते हैं क्या क्या लगा सकते हैं। कुछ अगर देखने मिल जाए कुछ लगाने के लिए सब कुछ लगा लेंगे। ऐसा क्या मतलब गाड़ी हो गया, बाइक हो गया, ये सब आप जितना भी काम कराओ ना मतलब कम ही लगता है, ऐसा लगता है कि और कराए। ये आ चुका हूँ मैं वांडर कार पे, गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है इसलिए ग्लास पे थोड़ा सा एक पेपर लगाएंगे सोच रहा था। और पेपर है ये पेपर, ये 30% है, 30% है ना ये, इससे क्या होगा आपका विजिबिलिटी थोड़ा सा कम होगा, लेकिन ज़्यादा भी कम नहीं होगा, और धूप का जो मेथड है वो सॉल्व हो जाएगा पूरा। बहुत बढ़िया, तो ये लगाते हैं अपने खिड़की पे जो आईना है उस पर लगाते हैं, और कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं देखते हैं। चलो, और यहाँ पे अपना गाड़ी का भी काम चल रहा है, ये देखिए। जो मैं ये काम कर रहा हूँ ना, आप लोगों को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा बिल्कुल भी कि आप लोग भी अपने गाड़ी में ये कराओ।
लेकिन धूप से बचने के लिए या सनलाइट से पूरा बचने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है गाड़ी में। लेकिन ये इतना लीगल चीज नहीं है इसलिए मैं सजेस्ट नहीं कर रहा आप लोगों को, लेकिन आप लगा सकते हो। ये बस 30% लगाया मैंने, तो इतना पता भी नहीं चलेगा, इतना पता नहीं चलेगा ना भैया, इतना बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। 30% एकदम लाइट पेपर है, ग्लास के साथ मिल जाता है, ग्लास के साथ पूरा मिल जाता है ना। बढ़िया, सब कुछ काम होने के बाद अच्छे से आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। और एक्चुअली एक साइड पे तो काम हो ही गया, ये साइड पूरा हो ही गया, आप लोग देख सकते हो, अंदर भी पूरा अच्छे से देख सकते हैं हम लोग, अंदर भी पूरा दिख रहा है अच्छे से। आपको शायद थोड़ा सा इतना सा परेशानी हो सकता है, इतना सा। तो फाइनली हमारा सारा काम वगैरह हो गया इधर, अभी निकलने का टाइम है, और दुकान से तो निकल गए, अभी गाड़ी पे पहुंचते, अभी रात का टाइम है, आपको अच्छे से दिखा पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे पता नहीं वो। और एक लाइट भी मैंने चेंज किया, गाड़ी के अंदर चलते हैं, गाड़ी के पास चलते हैं, उसके बाद आप लोगों को बोलते हैं क्या क्या गाड़ी में हुआ था। और सारा काम हो जाने के बाद ये है अपना गाड़ी पूरा रेडी है, अभी यहाँ पे पेपर लगा, यहाँ पे पेपर लगा, पूरा सारा आईने पे पूरा पेपर लगा है। और अभी गाड़ी के अंदर जो लाइट चेंज किया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये वाला लाइट पहले येलो कलर का था, अभी इसमें व्हाइट कलर का बल्ब लगा दिया। इसका रीजन ये है कि जब भी हम ब्लॉग वर्क करेंगे गाड़ी के अंदर रात को, तो रोशनी अच्छे से मुंह पे पड़ेगा और थोड़ा सा गोरा गोरा दिखेगा वीडियोस पे। और क्या आपको कैसा दिख रहा है अभी बताइएगा, अभी यहाँ से निकलते हैं, चलिए।